जय जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी अभी हमें जाना यार, सबसे पहले पंचर सही करवाने के। अभी बाइक हो चुकी है पंचर। अभी मैं आ रहा था तो देखा मैंने, पहले बाइक पंचर हो गई। मैंने यार ये क्या बोला, ये क्या बोला, थ्रेड लगाया था कोई और कुछ नहीं है, थ्रेड ट्रॉली और नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा था, बाइक देखी मैंने यार, उसमें टायर में पीछे वाले में हवा ही नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया। मैंने आई थिंक लास्ट वीक ही डलवाई थी हवा, जब मैं सर्विस करवाई थी उस दिन भी डलवाई थी, उस दिन भी बोला था कि भैया इसमें हवा बहुत कम है, उसके बाद भी एक बार डलवा चुका हूँ लेकिन फिर भी कम हो रही है। तो आई थिंक उसमें पंचर है, तो एक बार लीकेज चेक करवा लेते हैं कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है। तो पहले चेंज कर लूँ, अभी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो पहले चेंज करते हैं फिर जाओ। इसकी वजह से हवा निकल रही थी। है खतरनाक की, ये तो अच्छा है कि ट्यूबलेस था, ट्यूब वाला होता तो चले जाता पूरा। चिंता नहीं, अब तू कल आएगा मेरे ब्लॉग में। खराब हो गई यार, बाइक में पंचर हो गया था करीब 15-20 दिन से, वो कील लगी हुई थी जो भी देखी आप लोगों ने। अब मैं उससे हर 14 दिन हवा डालू, हर 14 दिन हवा निकल गया यार, उसकी दिमाग खराब हो गया। अभी बिल्कुल कम थी, बिल्कुल लगभग 10 के आसपास होगी। फिर देखो मेरा पंचर और निकला, कितनी बड़ी कील निकली, खतरनाक सी। अभी यार विक्की के पास कुछ सामान सट्टा दिया, शाम को एक्चुअल में है चेन्नई और सुपर, कौन सी, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच फाइनल आईपीएल जो हम देखने वाले हैं यार, डिस्कस कर सकते हैं। सीएसके इज माई फेवरेट टीम जस्ट बिकॉज ऑफ धोनी, धोनी अच्छा लगता है इसलिए सीएसके को सपोर्ट करते हैं, वरना तो ऐसा कोई खास नहीं। अच्छी लस्सी है अमूल, आपके पास सारे जितने भी मैच लवर्स हैं यार, उन सबका यही हाल है। मैच जो है वो थोड़ा सा भी डिले हो रहा है क्योंकि बारिश हो गई है इस वजह से, और हम भी वेट कर रहे हैं जल्दी से बारिश बंद हो जाए, मैच शुरू हो जाए, बस फाइनल देखना है यार। पता नहीं कब होगा, जल्दी से हो जाए भगवान। यार बारिश तो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बारिश तो अभी तक हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मूवी देख लेते हैं, तो मूवी लगा दिया जब हैरी मेट सजर, थोड़ी देर में सो जाऊंगा, टाइम हो रहा है, वैसे भी कल ड्यूटी का टाइम है। ये सोचिए सैटरडे को होना चाहिए था आईपीएल का फाइनल, आराम से संडे को चिल करके उठते यार। आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि संडे की जगह सैटरडे को होना चाहिए था आईपीएल फाइनल, पर यार क्या सोच के संडे का रख दिया है। पुराना मैच दिखा रहे हैं यार अभी तो फिलहाल, देखो इतने मूड से बैठा था यार, फाइनल देखना है, फाइनल देखना है। वैसे मैं ज्यादा मैचेस देखता नहीं हूँ आईपीएल के यार, मुझे केवल सीएसके वाले देखता हूँ, जिसके मतलब वो भी धोनी की वजह से देखता हूँ, किसी वजह से नहीं। मैंने मतलब इंडिया की ओडीआईज में मतलब आई थिंक तब तक देखी होंगी जब तक धोनी था टीम में, उसके बाद तो मैंने बहुत ही कम कर दिया मैचेस देखना, अब शौक नहीं रहा, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है टीम टीम से नहीं दिखती यार, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता धोनी की, बनाइए तो है कुछ तो चार्म है धोनी में। साढ़े दस हो गए यार, अभी तक नहीं हुआ यार, नौटंकी है मुझे यार, यार नहीं, आई एम गोइंग टू स्लीप, किस्मत में नहीं है, कल सुबह देख लेंगे हाईलाइट वगैरह। ऐसे ही काम चलना पड़ेगा, क्या करें, मिलते हैं सुबह आपसे। भाई साहब कल के आईपीएल का आप लोगों ने तो सुनी लिया होगा, वैसे भी क्या हुआ कल आईपीएल नहीं हो पाया, वो मैच फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी, क्यों मैच ही
आज की डेट में पोस्टपोन कर दिया है, आज होगा, मतलब आज फाइनल आज होने वाला है मंडे को, तो हम आज का वेट कर रहे हैं, आज देखेंगे अब फाइनल क्या बात है भाई, किस्मत तो फाइनल है वैसे यार। कल मैंने इतना वेट किया, मैंने सोचा भाई वेट नहीं हो रहा, मुझे आ रही थी नींद तो मैं सो गया, बस देखें पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा ने कहा नहीं बेटा तू फाइनल जरूर देखेगा, तो आज दिखाएंगे फाइनल, बस आज बारिश ना हो ये भगवान, आज बारिश नहीं होनी चाहिए, बचा लेना आज और सीएसके को जिता देना बस आज। मैच तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है भाई, दो ओवर भी हो गए, क्या मारा है भाई, जब धोनी स्मैश करता था ना तो समझ जाओ हो गया आउट, गजब। अरे सर ये चाबी, थैंक यू, और ये है ना मछलियों को दाना के डालना है आपको, ठीक है इतना एक बार में डालना है, केवल इतना, केवल इतना, पहले तो एक समझ जा रहा था, बिजली जा रही थी ना, अच्छा समझ नहीं है ना इतनी, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक, ओके सर, आपकी मनी मैंने ले ली है, मनी है मेरे पास, ठीक है ठीक, प्लान जी भाई है सारे, ठीक है सर, ओके। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि सर आए थे और वो कुछ बता रहे थे कि मछलियों को इतना दाना डालना है, एक्चुअली सर क्या है कहीं जा रहे हैं बाहर कुछ दिन के लिए, तो जब तक भाई उनके यहाँ एक एक्वेरियम है तो उस फिशेज को क्या है दाना पानी तो डालना पड़ता है, इसलिए तो वो मुझे दे गए रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तू डाल लिया करना, मैंने चलो ठीक है हाँ हम हैं तो हम कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने मनी प्लान भी हमारे पास रख गए, वो दाना जो था ना वो मछलियों का है वैसे, वो जाने गए हो गए आप लोग, तो हम डाल लिया करेंगे सुबह सुबह जब जाया करेंगे एक टाइम डाल के मछलियों को खिला दिया करेंगे, मस्त मछलियाँ भी मस्त पूरे दिन, हम भी मस्त पूरे दिन, और कहता हाँ मनी प्लांट हो गए सर अपने, तो सर की मनी मेरे पास है जिसकी मैं पूरे तन मन धन से हिफाजत करूंगा, कोशिश करूंगा, वैसे सर ने मेरे गमले नहीं देखे, बगल में जो और रखे थे सर वाले गमले देख लेते ना भाई, सही कह रहा हूँ मैं सीरियसली, सर नहीं जाने वाले थे छोड़ के अपने मनी प्लांट को मेरे पास, कहते रहने मैं देख लूंगा किसी और से करवा दूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मेरे गमलों का क्या हाल हुआ है, मैं दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखो ये एक गमला बेचारा सूख गया, पौधा निकल गया, एक ये बेचारा पीपल का पौधा लगाता है इसमें वो भी पे। तो सर अगर आप ये देख रहे हो तो घबरा नहीं, कोई बात नहीं, जो इनका हाल हुआ है वो मैं उस मनी प्लांट का नहीं होने दूंगा, उसकी मैं पूरी सेफ्टी करूंगा, टाइम टू टाइम पानी भी डालूंगा उसमें। तो जीटी ने बनाया है 214 और टारगेट है 215 का, और आज जो सुदर्शन खेला है ना साई सुदर्शन भाई, क्या शानदार मैच खेला उस बंदे ने, जो ठोके हैं छक्के छक्के बढ़िया खेला, मजा आ गया उसकी बैटिंग देखते हुए है, चाहे वो जीटी की तरफ से खेले चाहे सीएसके की तरफ से खेले, मतलब कोई भी बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करता है तो देखने में मजा आता है मैच, ये है ओवरऑल, चाहे वो सीएसके की टीम का हो चाहे जीटी का हो चाहे किसी भी टीम का हो, वो मैटर नहीं करता है। चलो सीरीज के साथ हम इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, अगर आपको अच्छा हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, आता मैच आपको देखने को मिलेगा कल, आज नहीं कल, यानी कल के ब्लॉग में बताएंगे कि हाँ सीएसके जीती है कि जीटी जीती है, फिर अगर आप भी सीएसके सपोर्टर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सीएसके लिख देना, अगर आप जीटी सपोर्टर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जीटी लिख देना, जिसके भी सपोर्टर हो लिखना जरूर, मेंशन जरूर करना, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।